हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील दीप हूँ जयपुर से। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं बहुत ही एक शानदार सी प्रॉपर्टी आपको दिखाने वाला हूँ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत ही बेहतरीन सी प्रॉपर्टियाँ आप चैनल पर और भी आने वाली है। आज की जो प्रॉपर्टी है ये कालवाड़ जो रोड है उस पर हाथोज के नियरेस्ट प्रॉपर्टी है, जो कि योग गुरु बाबा रामदेव का जो योग सेंटर है उसके बहुत ही नियरेस्ट है। हार्डली 100 मीटर की डिस्टेंस पर वहाँ से ये लोकेटेड है। और विला जो है ये 72 गज में बना हुआ है। एक बार यहाँ से आप सराउंडिंग एरिया देख लीजिए, किस तरह का यहाँ पे आसपास की बसावट है। आपकी जो भी डेली नीड्स की जो सामान चाहिए आपको वो भी यहाँ पे नियरेस्ट ही मिल जाएगा। और विला जो है ये 15 का फ्रंट है इसका और 43 की डेप्थ है। 3 BHK का ये विला है। स्टेयर्स आपको इसमें बाहर से मिलने वाली है। यहाँ पे आप एलिवेशन देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये घर डिज़ाइन किया हुआ है। और रेट जो है रेट भी इसकी बहुत ही सही आपको मिलने वाली है। सामने की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे विला के सामने ही किस तरह से आपको एक गार्डनिंग के लिए एक अच्छा छोटा स्पेस तैयार करके दिया जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों का भी इसमें ध्यान रखा हुआ है। इसके पीछे की तरफ आप देख सकते हो टाइल्स लगाई हुई है, ताकि सीलन वगैरह यहाँ पर अगर गार्डनिंग में अपन पानी दे तो सीलन वगैरह यहाँ पर ना आए। यहाँ से अपन मूव करते हैं अंदर की तरफ, तो सबसे पहले इसमें पार्किंग का एरिया आता है। तो पार्किंग का एरिया बहुत ही बढ़िया साइज़ में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक बड़ी कार भी आप इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हो। और ये जो ड्यूप्लेक्स है इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पे 1 BHK और फर्स्ट फ्लोर पे 2 BHK ये मिलने वाला है। पार्किंग का एरिया काफ़ी अच्छा है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हो आप स्टेयर्स का जो प्रोविज़न हो किस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। स्टेयर्स का ये जो प्रोविज़न है वो भी यहाँ से निकल गया, साथ ही एरिया भी यहाँ पे अपने पास काफ़ी बच गया। यहीं अपन देखे पोर्च के एरिया में ही तो वाटर टैंक का यहाँ पे प्रोविज़न मिल जाता है। साथ ही एंट्रेंस आप यहां से देख सकते हैं किस तरह यहां पे डिज़ाइन किया हुआ है। काफ़ी बड़ी विंडोज़ यहां पे लगाई हुई है ताकि सनलाइट घर में प्रॉपर रह सके। एक बार आप यहां से ऊपर की हाइट देखेंगे तो घर की हाइट भी बहुत ही अच्छी आपको मिलने वाली है। डिज़ाइंस जो है POP वर्क में आप देख सकते हो कैसी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर तैयार की हुई है। साइड में जो पोर्शन है ये अपना किचन का है, तो वेंटिलेशन यहाँ पर प्रॉपर रहने वाला है। अब मूव करते हैं अपन यहाँ से अंदर की तरफ। स्टेयर्स आप यहाँ पर जो देख सकते हो अंदर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं 2 स्टेप आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही आप यहाँ पे हाइट देख सकते हो, लगभग 7 फीट की हाइट का आपको यहाँ पे गेट मिलने वाला है। काम आपको बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी का मिल जाता है। यहाँ पे माइका वगैरह आप गेट्स की देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पे लगाई हुई है। और अब अपन मूव करते हैं आगे की तरफ, तो ये अपना हॉल का यहाँ पे एरिया है। और हॉल का जो एरिया है 9x13 की डायमेंशन में आपको ये मिल रहा है। अगर अपन फ्लोर प्लान की यहाँ पे बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे 1 BHK का है, जिसमें यहाँ पे राइट साइड में किचन है, पीछे की तरफ एक बेडरूम है और यहाँ पे साइड में एक बाथरूम है। और ईस्ट फेसिंग का विला है तो पूरा वास्तु के अनुसार ये बनाया हुआ है। वर्क आप इसमें एक बार देख लीजिए, हॉल में टेक्सचर डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ऊपर सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का इसमें आपको जो वॉलपेपर का वर्क है वो यहाँ पे मिल जाता है। सेमी फर्निश्ड का ये विला है, जिसमें कि आपको आप जैसा इसमें भी देख रहे हो वार्डरोब वगैरह है, लाइटिंग है, सारी ही इसी में इंक्लूड है। और यहाँ पे सामने की तरफ अपन देखेंगे लिविंग एरिया में, तो यहाँ आप देख सकते हो LED पैनल है, ये भी काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक बड़ी LED आप इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं। हॉल के साथ ही यहाँ पे साइड में अपन देखते हैं कॉर्नर में, तो ये आ जाता है अपना वॉश बेसिन का एरिया, जिसमें ऊपर की तरफ टाइल वर्क है। और यहाँ नीचे अपन देखते हैं तो नीचे भी स्टोरेज के लिए आपको वुडन से कवर करके यहाँ पे एरिया तैयार करके दिया जा रहा है। पीछे की तरफ आ जाता है इसमें बाथरूम का एरिया। बाथरूम का एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो, सीट जो है आपको यहाँ पे वेस्टर्न लगा के दी जाएगी। टाइल वर्क आपको यहाँ भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। और वेंटिलेशन आपको सभी जगह बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे मिलने वाला है। यहीं साइड में अपन देखते हैं तो ये आ जाता है किचन, जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। और किचन जो है साइज़ की बात करें अपन तो 5x10 की साइज़ में है। एक 72 गज के विला के हिसाब से अपन देखें तो बहुत ही एक सही साइज़ में आपको सभी जगह जो एरिया निकाला हुआ है काफ़ी अच्छे साइज़ में मिल जाता है। किचन में आप ड्रॉवर वगैरह देख सकते हैं, कैबिनेट वगैरह काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आपको वुडन वर्क मिल जाता है। काउंटर टॉप काफ़ी सही है, साथ ही टाइल वर्क आप यहाँ पर देख सकते हो। और ड्रॉवर्स में अपन देखते हैं तो SS का आपको इनमें वर्क मिल जाता है। सामने की तरफ आ जाता है इसमें विंडो। और अब देखते हैं अपन यहाँ पर जो बेडरूम है,
बेडरूम काफ़ी सही साइज़ में आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 10x14 की डायमेंशन में आपको ये बेडरूम मिल रहा है। तो इसमें अगर आप एक डबल बेड भी लगाओगे, डबल बेड लगाने के बाद भी बहुत ही अच्छा एक स्पेस आपके पास यहाँ पे बचने वाला है। वर्क आप इसमें आप एक बार देख लीजिए, टेक्सचर डिज़ाइन वगैरह का किस तरह का इसमें वर्क किया हुआ है। ऊपर की तरफ अभी अपन देखते हैं तो POP वर्क काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको इसमें। और AC फिटिंग्स के पॉइंट आपको यहाँ पे घर में मिल जाते हैं, जो जहाँ भी आपको रिक्वायर्ड है। साथ ही कूलर अगर आप लगाना चाहें तो हॉल में, बेडरूम में, सभी जगह आपको कूलर के लिए अलग से विंडो का प्रोविज़न यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही यहाँ साइड में अपन देखते हैं तो यहाँ देख लीजिए, वेंटिलेशन के लिए एक अच्छा सा स्पेस ऊपर की तरफ छोड़ा हुआ है। यूटिलिटी एरिया ये यहाँ पर मिल जाता है। तो ये देखा अपन ने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर। और विला जो अपन देख रहे हैं ये सोसाइटी पट्टे का विला है और आस्किंग प्राइस इसकी 27 लाख रुपए है। यहीं पे एक 65 वर्ग गज में बना हुआ एक विला भी आपको मिल जाएगा, जो कि 23 लाख की रेट में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। स्टेयर्स आप देख सकते हो वर्क इसमें किस तरह का है, मार्बल के साथ ही SS की आपको यहाँ पर रेलिंग मिल जाती है। और ऊपर का जो पोर्शन है, फर्स्ट फ्लोर जो है, वो आपको यहाँ पे 2 BHK का मिलने वाला है। यहाँ सामने की तरफ ही अपन देखते हैं तो ये विंडो का प्रोविज़न आ जाता है, विंडो जो है किचन का यहाँ पे आ जाता है। स्टेयर्स जो है छत की यहाँ से साइड से निकल जाती है। और यहीं अपन सामने देखे तो आप देख सकते हो विंडोज़ यहाँ पे काफ़ी जो फिक्स ग्लास है वो लगाए हुए हैं, तो सनलाइट और वेंटिलेशन यहाँ घर में बहुत ही सही मिलने वाला है। ऊपर का जो पोर्शन है, इसका गेट जो है आपको यहाँ पे इस तरह का कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलते हैं अपन यहाँ से अंदर की तरफ और ये आ जाता है यहाँ पे हॉल का एरिया। हॉल का जो एरिया है 8x15 की डायमेंशन में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। वर्क आप इसमें देख सकते हो पूरा ही किस तरह का यहाँ पे किया हुआ है। सेम जैसा नीचे का पोर्शन था वैसा ही है, केवल इसमें एक आगे की तरफ एक बेडरूम एक्स्ट्रा मिलने वाला है। साथ ही बालकनी यहाँ पे मिल जाती है। साइड में यहाँ पे दिया हुआ है एक वॉश बेसिन के लिए एरिया। यहाँ आ जाता है कॉमन बाथरूम। और ये है 10x14 की डायमेंशन में यहाँ पे बेडरूम। नीचे का जो बेडरूम था सेम उसी साइज में है। और इसमें भी आप वर्क देख लीजिए किस तरह का यहाँ पे किया हुआ है। साइड में अपन देखें रूम के तो यहाँ एक यूटिलिटी एरिया के साथ ही वेंटिलेशन पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। और नीचे का जो बेडरूम था उसमें मैं दिखाना आपको भूल गया, उसमें भी वार्डरोब का प्रोविज़न था। इस रूम में भी वार्डरोब का प्रोविज़न है। यहाँ पे वार्डरोब आप देख सकते हो, लगभग 6 फीट की चौड़ाई में आपको यहाँ पे वार्डरोब मिल रही है। हाइट आप देख सकते हो काफ़ी सही हाइट इसकी मिल जाती है। और अंदर की तरफ आप स्पेस देखेंगे तो बहुत सही स्पेस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और इस पोर्शन में भी मिल जाता है आपको किचन। किचन आप यहाँ पर देख लीजिए 5x10 की डायमेंशन में है। काम आपको वही प्रीमियम पूरा यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप करना चाहे एक पोर्शन को रेंट आउट तो इजीली यहाँ पे रेंट आउट कर सकते हैं। और ये आ जाता है इसमें सेकंड बेडरूम। ये जो बेडरूम है ये लगभग 9x12 की डायमेंशन में आपको यहाँ पे मिल रहा है। और इसमें सामने की तरफ विंडो है। और ऊपर की तरफ आप देख लीजिए किस तरह का इसमें वर्क है। सेमी फर्निश्ड है तो फैन वगैरह लाइट वगैरह आपको यहाँ पे पूरी जैसी लगाई हुई है वैसी ही मिलने वाली है। सामने की तरफ है इसमें बालकनी का एरिया। बालकनी एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 7x7 की डायमेंशन में आपको यहाँ पे मिल रहा है बालकनी एरिया। साथ ही आगे की तरफ भी इसमें एक अच्छा बालकनी स्पेस मिल जाता है। और डिजाइंस आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह की यहाँ पे डिजाइंस आपको मिलने वाली है। और यहीं बालकनी के एरिया में अपन स्टेज के नीचे का जो पोर्शन देखे तो यहाँ एक स्टोरेज के लिए आपको एक अच्छा सा स्पेस यहाँ भी मिल जाता है। आसपास की यहाँ से भी एक बार लोकेलिटी आप देख लीजिए किस तरह की यहाँ आसपास लोकेलिटी है। साइड में आप देखोगे तो काफ़ी बसावट है और आगे की तरफ भी अच्छे मकान यहाँ पे बने हुए हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर पसंद आया तो यार वीडियो को कर दीजिए लाइक। साथ ही अगर करना चाहते हैं आप इस प्रॉपर्टी की विजिट तो डिस्क्रिप्शन में नंबर, वहाँ कॉल करके आप विजिट कर सकते हैं। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।